सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मतलब यहाँ पे हमारे पास में ना आजकल स्टोरेज ऑप्शंस की कोई भी कमी नहीं है, और अगर मैं आपसे बात कर दूं कैपेसिटी की तो इसको हम बढ़ा रहे हैं दिन रात। अगर आप देखते हैं स्मार्टफोन के मॉडल्स को तो यहाँ पे आते हैं पता नहीं कितने सारे तरह तरह के जीबी वाले वेरियंट। इसके अलावा अगर आपके पास में एक लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो यहाँ पे भी हम पहुंच गए हैं टेराबाइट्स की कैटेगरी में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक सिंगल फाइल का मैक्सिमम पॉसिबल फाइल साइज क्या हो सकता है? जब इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। भाई मतलब आजकल ना दोस्तों मॉडल्स की लिमिट जा रही है वो कहीं ज़्यादा ही निकल गई है। स्मार्टफोन्स अवेलेबल हो गए हैं 512 जीबी तक की कैपेसिटी में, लैपटॉप्स या फिर दोस्तों अगर डेस्कटॉप्स हैं तो अगर एक एवरेज सिस्टम भी है तो भी वहाँ पे 2 TB 4 TB की स्टोरेज कोई बड़ी बात नहीं है। एक ज़माना था जब हमारे पास में 1.44 MB की फ्लॉपी थी और वो भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल थी, लेकिन आजकल हम डेटा को इतना यूज़ करते हैं ना मतलब खुले हाथ से कि आप अगर कुछ भी डाउनलोड कर रहे हैं, कोई मूवी है आपके पास में दोस्तों, कोई 4K वीडियो है, आपने खुद ने कुछ वीडियो शूट कर लिया है, आपके पास कोई गेम वगैरह है, तो मतलब फाइल साइज 5, 10, 15, 20, 50, 100, 150 GB का हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी एक सबसे बड़ा सवाल कि एक सिंगल फाइल कितनी बड़ी हो सकती है, क्या इसकी कोई लिमिट है, क्या ये इस पर डिपेंड करता है कि आपके पास में स्टोरेज कितनी बड़ी है या फिर इसकी कोई और लिमिट है। भाई मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास में एक 2 TB की हार्ड ड्राइव है जिसको आपने कनेक्ट किया अपने कंप्यूटर से, तो क्या आप वहां पे एक सिंगल पीस में 2 TB की फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं? या मान लो जो हार्ड ड्राइव उसकी कैपेसिटी है 100 TB, 200 TB फॉर एग्जाम्पल, हालांकि आती नहीं 200 TB की, लेकिन क्या वहां पे आप 200 TB की एक सिंगल फाइल को स्टोर कर सकते हैं अगर आपके पास में हार्ड ड्राइव इतनी बड़ी है तो? या अगर नहीं कर सकते दोस्तों इसकी लिमिट क्या है, थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करते हैं। और यहाँ पे आपने दोस्तों शायद ज़रूर कभी ना कभी ऐसा महसूस किया होगा अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो कि भाई आपके पास में मान लो एक पेन ड्राइव है जिसमें 32 GB की स्टोरेज है और वो पूरा का पूरा खाली है। आप अपने कंप्यूटर से एक 5 GB की फाइल है, फॉर एग्जाम्पल कोई गेम है, कोई मूवी वगैरह है, आप उसको कॉपी करते हो और वहाँ पर एरर आता है कि नहीं आप 4 GB से ज़्यादा सिंगल फाइल अगर कोई है तो उसको कॉपी नहीं कर सकते। दोस्तों ये जो एरर है ये बहुत ही कॉमन है और यहाँ पर जो कल्प्रिट निकल के आता है ना मतलब देखो लिमिट तो लग गई ना, आपके पास में 32 GB खाली था लेकिन आप 4 GB से बड़ी सिंगल फाइल अगर कोई है तो उसको आप कॉपी नहीं कर पाते। दोस्तों यहाँ पर जो लिमिट है वो निकल के आती है फाइल सिस्टम की वजह से, और ये जो फाइल सिस्टम है दोस्तों ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो आपकी सभी फाइल्स को मैनेज कर रहा है कि भैया आपने कब उनको क्रिएट किया, कब आपने उनको एक्सेस किया, वो कहाँ पर स्टोर्ड है, क्या उनका साइज है, और ये आपको बताता है डिटेल्स कि भाई आपके पास में अगर कोई पेन ड्राइव है तो वहाँ पर कितनी मेमोरी खाली है, कितनी स्टोरेज आपने यूज कर ली है। अगर दोस्तों यहां पे आपसे बात करता हूं ओएस की, फॉर एग्जांपल विंडोज वगैरह, तो उसको मालूम चल जाता है कि भैया जो स्टोरेज है वहां पे कितनी स्पेसेस जो है वो एलोकेटेड हैं, कहां कहां पे फ्री स्पेस है, कितना कितना जो है वहां पे भैया उसको हम कंज्यूम कर चुके हैं, तो ये बेसिकली हमको देता है इंफॉर्मेशन उसी स्टोरेज डिवाइस के मामले में। लेकिन यहां पे ये एक लिमिट भी लगा देता है। भाई मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास में ये कमरा है और ये एक बहुत ही बड़ा कमरा है, लेट से अब यहां पे स्टोर करने के लिए जो कैपेसिटी है वो तो इस पूरे कमरे की है, मैं यहां पे जो चाहूं वो सामान पूरे कमरे में स्टोर कर सकता हूं। लेकिन यहां पर दोस्तों आप समझ लो कि इसके अंदर जो इंसान कंधे पे सामान लेके अंदर घुसेगा या फिर उसकी ट्रॉली में सामान लेके आएगा तो वो ट्रॉली एक फिक्स नाप की है, यानी कि एक बार में आप उस ट्रॉली जितना सामान ही लेके आ सकते हो। आपके पास में कमरा पूरा इतना बड़ा है लेकिन आपकी जो मैक्सिमम दोस्तों लिमिट बन गई है सिंगल ट्रांजैक्शन की, सिंगल फाइल के साइज की, वो उस ट्रॉली के बराबर ही है। तो ऐसे में आप एक बार में इस पूरे कमरे को सिंगल ट्रॉली से नहीं भर सकते। तो यहां पे दोस्तों लिमिट कुछ ऐसी निकल के आती है फाइल सिस्टम्स की, जहां पे हमने आज तक बहुत ज्यादा दोस्तों यूज किया FAT32। आजकल हम उसको इतना यूज नहीं करते हैं लेकिन दोस्तों ये जो फाइल सिस्टम था ये काफी पॉपुलर था Windows 98 तक, जहां पर जो लिमिट थी वो थी भैया 32 bits, यानी कि 2^32 बोले तो अप्रोक्सीमेटली 4.2 GB के आसपास। अगर कोई सिंगल फाइल का साइज इससे बड़ा है तो वो क्रिएट हो ही नहीं सकती है, और अगर कोई फाइल भैया किसी और सिस्टम में है तो आप उसको कॉपी नहीं कर पाएंगे, एक्सेस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपके पास में लिमिट नहीं है कि आप 32 bits से बड़ी किसी फाइल को एक्सेस कर पाएं। तो यहां पर दोस्तों ये हमने बहुत ही कॉमनली पेन ड्राइव में इस्तेमाल किया, और इसीलिए ये एक रीजन है कि मान लो अगर आपका जो पेन ड्राइव है उसमें आपने इस्तेमाल में लिया है FAT32 फाइल सिस्टम को, तो वहां पे आप 4 GB से बड़ी, 4.2 GB से बड़ी एक सिंगल फाइल को स्टोर नहीं कर पाएंगे। अब यहां पर दोस्तों इसके बाद में विंडोज जब XP आया और उसके बाद से माइक्रोसॉफ्ट जो है उसने इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया NTFS फाइल सिस्टम, जो कि एक 64 बिट वाला फाइल सिस्टम था, और यहां पर जो लिमिट है ना फाइल साइज की,
हम बढ़े हैं सिर्फ 32 से 64, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो ग्रोथ है वो है एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे मैं आपसे बात करता हूँ 2 raised to the power 64 की, और ये निकल के आता है अप्रोक्सीमेटली 18 billion GB। 18 billion GB जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल फाइल साइज दोस्तों है, लेकिन ये एक थ्योरेटिकल लिमिट है। तो दोस्तों प्रैक्टिकल लिमिट है विंडोज के अंदर वो है फिलहाल के लिए 17.5 TB। और यही है सवाल का जवाब कि जो मैक्सिमम पॉसिबल दोस्तों फाइल हो सकती है एक सिंगल पीस में वो है फिलहाल के लिए 17.5 TB की। अभी अगर आप सोच रहे हो कि हमारे पास में क्या इतनी बड़ी स्टोरेज है, तो जवाब है जी हाँ बिल्कुल है। यहाँ दोस्तों सैमसंग की एक SSD है जो कि है 30 TB की, और उसके अलावा निम्बस की एक SSD है जो कि अभी रिसेंटली अनवील किया गया था, और ये दोस्तों SSD है ये है 100 TB की। एक सिंगल SSD आपकी मुट्ठी में 100 TB की स्टोरेज, और वहां पे अगर आप चाहो तो 17.5 TB की सिंगल फाइल्स को क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों ये है कंप्लीट हिसाब किताब भैया फाइल सिस्टम का। और यहां पे इसके अलावा और भी दोस्तों फाइल सिस्टम्स हैं, XFAT वगैरह हैं, अलग अलग हैं, लेकिन NTFS को हम नॉर्मली काम में लेते हैं विंडोज में, जो कि विंडोज इसी के ऊपर काम करता है, और यहां पे लिमिट है 17.5 TB की। ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा है। आप बताना जरूर लीजिए कमेंट्स में कि भैया आपके पास में करंटली स्टोरेज अवेलेबल है, फिर चाहे वो पोर्टेबल हार्ड ड्राइव हो, चाहे दोस्तों आपके लैपटॉप की स्टोरेज हो, चाहे आपके कंप्यूटर की स्टोरेज, आपके मोबाइल की स्टोरेज हो, वो टोटल मिला के आज आपके पास में कितनी स्टोरेज अवेलेबल है। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको थोड़ा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।